हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और धनश्याम। राम बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है, तो सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। धनश्याम बहुत ही अहंकारी और चालाक होता है। एक बार की बात है, राम के व्यापार में बहुत नुकसान होता है। इसी की वजह से उसके परिवार में बहुत खराब हालत हो जाती है। तो फिर उसको कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। तो एक दिन वो अपने भाई धनश्याम से मदद मांगने के लिए जाता है। तो धनश्याम कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। तो फिर राम बहुत उदास हो जाता है। और फिर जब अब वो अपने घर जा रहा होता है, तो फिर उसे बीच में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो लकड़ियां उठाना चाहता है, पर वो उठा नहीं पा रहा। तो राम उसकी मदद करता है और उसे सही सलामत घर भी पहुंचा देता है। तो बूढ़ा आदमी उसे धन्यवाद कहने के लिए एक मीठी रोटी देता है और कहता है, तुम यहाँ से सीधे जाना, फिर वहां पर एक पहाड़ आएगा। वहां पहाड़ के ऊपर एक घर है, उस घर में एक बौना रहता है जिसको मीठी रोटी बहुत पसंद है। तुम वहां जाना और उसे वो मीठी रोटी दे देना। मीठी रोटी के बदले तुम उससे एक पत्थर की चक्की लेना, ठीक है? तो फिर वो वहां जाता है और फिर वो उसे मीठी रोटी देता है और चक्की ले लेता है। और बौना कहता है, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। अगर तुम इसे घुमाओगे और किसी की भी मांग करोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। और इसे रोकने के लिए तुम्हें इसके ऊपर कोई भी लाल कपड़ा डालना होगा। तो वो राम उस चक्की को घर ले आता है। तो फिर उसे टेस्ट करता है, फिर वो चक्की को घुमाता है, फिर वो अपने आप घूमने लगती है। और फिर वो दाल की मांग करता है, फिर चक्की में से बहुत सारी दाल निकलने लगती है। अब उसे वो चक्की को रोकना था। फिर उसे बोने की बात याद आती है कि कोई भी लाल कपड़े चक्की के ऊपर रखने से चक्की रुक जाएगी। तो फिर वो अपनी बीवी की लाल साड़ी चक्की के ऊपर डाल देता है और चक्की रुक जाती है। ऐसे ही वो चावल की भी मांग करता है। और फिर अगले दिन जब उसके परिवार उठता है तो बहुत खुश होते हैं, इतने सारे दाल चावल। और फिर उस दिन वो पेट भर कर दाल चावल खाते हैं। फिर वो ऐसी और भी कई चीजें मांगता है चक्की से, जैसे कि और भी कई अनाज, गेहूं, दाल, चावल, और भी कई चीजें। फिर जब वो मांगता है तो बहुत सारी चीजें मांगता है वो। फिर वो अनाज की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। फिर उसका वो बिजनेस वो बढ़ता जाता है और उसकी दुकान भी बढ़ती जाती है। तो फिर उसका भाई सोचता है, यार ये इतना अमीर कैसे हो रहा है, इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और फिर जब राम दुकान पे होता है तो धनश्याम धीरे 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 उसके घर में चला जाता है। और फिर जब राम आता है तो वो चक्की को चलाता है और गेहूं की मांग करता है। और फिर चक्की में से गेहूं निकलने लगते हैं बहुत सारे। तो फिर यही देखकर धनश्याम घर चला जाता है। फिर वो जब सब सो रहे होते हैं तो धनश्याम राम के घर पे आता है और फिर वो चक्की अपने घर ले जाता है। और फिर न पकड़े जाने के डर की वजह से वो इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव को जाना चाहते थे। तो फिर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उस दूसरे गांव में जाते हैं। उस गांव के बीच में नदी पड़ती है, तो उस नदी को पार करके ही हम दूसरे गांव तक पहुंचेंगे। वहां पे एक नाव होती है,
तो पूरी फैमिली उस नाव पे सवार हो जाती है और फिर घनश्याम बोट चलाने लगता है। अब उससे रहा नहीं जाता, उसे टेस्ट करके देखनी है चक्की। तो फिर वो चक्की चलाना शुरू करता है और नमक की मांग करता है, तो चक्की में से नमक निकलने लगता है। और फिर जब इतनी क्वांटिटी हो जाती है तो फिर वो चक्की को रोकना चाहता है, पर उसे तो पता ही नहीं कि चक्की को रोकते कैसे हैं। फिर नमक आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है और पूरी नाव भर जाती है। और फिर वो नाव धीरे धीरे डूबने लगती है और सब लोग डूब जाते हैं। कहते हैं कि अभी भी वो चक्की नदी में चल रही है, तभी तो उस नदी का पानी नमकीन है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी से भी जलना नहीं चाहिए। तो बताइए दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? इस अच्छी कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय।